हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल JS GK एडुकेटर्स में। आज मैं आपके लिए मास्टर कैडर का जो प्रीवियस पेपर हुआ है, जो 2017 में हुआ था, वो फुली सॉल्वड जो है वो लेकर आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मास्टर कैडर की जो वैकेंसीज का आई हुई हैं, तो उनका एग्ज़ाम जो है वो कभी भी आ सकता है। तो पहले वो मार्च 2020 में होना था, लेकिन जो कोरोना जो बीमारी आई है उसकी वजह से वो जो है वो पोस्टपोन हो गया था। लेकिन अब जो ये जो एग्ज़ाम है वो कभी भी आ सकता है। सो मेरा ये वीडियो जिन्होंने भी मास्टर कैडर के लिए अप्लाई किया है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप सभी मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। सो आज हम जो सिविक्स का फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जो 2017 में मास्टर कैडर का पेपर हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सो पहला क्वेश्चन है, द आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो आर्टिकल 124 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील्स करता है, किसके साथ वो रिलेटेड है। तो वो किसके साथ रिलेटेड है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है उससे रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव बीन इम्पीच्ड, अब तक कितने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिनको इम्पीच्ड किया हुआ है, जिन पर महादोष लगा है। तो अभी तक ऐसा कोई भी जज नहीं है जिसके ऊपर महादोष लगा हो। सो थर्ड क्वेश्चन, हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इंडिया का जो चीफ जस्टिस है वो कौन है। ठीक है, करंटली अब कौन है, जब 2017 में पेपर हुआ था तब दीपक मिश्रा था, लेकिन अब जो है वो शरद अरविंद बोबड़े है। तो आप सभी ने ये नोट कर लेना है, शरद अरविंद बोबड़े। तो आप सभी ने इसको अपनी नोटबुक पर या कहीं भी नोट कर लेना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट, जब इंडिया जो कंट्री है हमारा जो इंडिपेंडेंट हुआ था, तो पहला चीफ जस्टिस कौन बना था सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज HJ कानिया। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपने बिल्कुल इसको दिमाग में रखना है। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसका जो चीफ जस्टिस उस समय कौन था, SJ वजीफदार। तो 2017 में ये था, लेकिन अब जो चेंज हो गया है, तो अब कौन सा जो चीफ जस्टिस हमारा है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, तो क्या नाम है उसका, रवि शंकर झा। तो ये सभी ने आपने नोट कर लेना है। अब जो हमारा करंटली जो हाई कोर्ट का जो हमारा जज चीफ जस्टिस है वो कौन है, रविशंकर झा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इज सिचुएटेड इन। तो आप सभी को पता है जो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वो कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ में है वो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स आर इन पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में जो पंजाब विधानसभा है उसकी कितनी सीट है, तो दे आर 117 सीट्स हैं। तो लोकसभा की कितनी है, सो दे आर 13। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली।
तो जो पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका स्पीकर कौन है? तो वो है राणा केपी सिंह, तो अभी भी यही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक ऑफिसर्स? तो सरकारी जो ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वहाँ पर जो किसी को भी काम की जो अवसर, समान अवसर मिलते हैं, वो किस आर्टिकल के अंडर मिलते हैं? दैट कम्स अंडर आर्टिकल 16। तो 16 आर्टिकल के अंडर वो आते हैं। आपने सारे आर्टिकल अच्छे से लर्न कर लेने हैं, मास्टर कैडर जो है पेपर आना है उसमें आर्टिकल्स के रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपको आने ही आने हैं। तो आपने जो आर्टिकल्स है वो बिल्कुल अच्छे से इनको लर्न कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर? तो किस अमेंडमेंट के अंडर जो है राइट टू ऑफ जो राइट टू प्रॉपर्टी थी उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था? तो किस अमेंडमेंट के अंडर किया गया था? दैट इज 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था वो कब हुई थी? 1978 में हुई थी। सो नेक्स्ट, आर्टिकल 17th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडवोकेट्स। तो जो आर्टिकल हमारा 17 है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटीज ऑल सिटीजन्स इन इंडिया। तो ऑप्शंस क्या हैं इसके? राइट टू फ्रीडम, राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू मूव फ्रीली इन इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो जो 19 आर्टिकल है तो इसका जो आंसर है वो डी है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो आर्टिकल 19 के अंडर आते हैं। आपको राइट टू फ्रीडम, राइट टू असेंबल पीसफुली और राइट टू मूव फ्रीली इन इंडिया, ये सभी क्या है? आर्टिकल 19 के अंडर आते हैं। सो नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर? तो ए इसका आंसर क्या है? ए आर्टिकल 23। देखो, इस मास्टर कैडर एग्जाम में भी आर्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो जो नेक्स्ट मास्टर कैडर पेपर होगा उसमें भी ये श्योर है कि आपको 5 से 6 या 7 जो है, 5 या फिर 5 होंगे या 6 हो गए या 7, तो इतने क्वेश्चंस आपको आर्टिकल से आने ही आने हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज एनश्राइंड इन? जो राइट टू फ्रीडम है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? दैट आर्टिकल 25 के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उसने क्या रिकमेंड किया था? तो क्या रिकमेंड किया था? ऑप्शन ए है इसका आंसर, द फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया बोरोड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो इंडिया है, इंडिया कंट्री जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की हुई हैं तो वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई हैं? तो दैट आर टेकन फ्रॉम दी USSR, जिसको हम रशिया भी बोल देते हैं, ठीक है, तब जो है इसको USSR बोलते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ इन 1945 द UNO मेंबरशिप वॉज। जब जो हमारा UNO बना था तो जब इसके कितने टोटल मेंबर थे तब 1945 में? तो कितने थे? 51। बी पार्ट है इसका आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज हेडक्वार्टर्स ऑफ UNO सिचुएटेड? तो UNO के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन ए है, न्यूयॉर्क में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने UNO का जो टॉपिक है उसको भी बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ नॉट हैविंग दी वीटो पावर इन UNO? तो अब जो नीचे कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं उनमें से वीटो पावर किसके पास नहीं है? तो पहला हमारा ऑप्शन है द US है, उसके पास भी है।
दूसरा ऑप्शन फ्रांस, उसके पास भी है। थर्ड है चाइना, उसके पास भी है। और फोर्थ जो ऑस्ट्रेलिया है, उसके पास वीटो पावर नहीं है। फाइव कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है, ठीक है, जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनओ के। तो द नेक्स्ट जो टू है वो है रशिया एंड ब्रिटेन। तो इन पांचों के पास जो है यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया एंड ब्रिटेन, तो इनके पास जो वीटो पावर है, ये फाइव कंट्रीज़ परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनओ के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ द आईएलओ इज सिचुएटेड एट। तो जो आईएलओ है उनका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, तो क्या आंसर है उसका, बी, जो ऑप्शन बी है, जिनेवा। तो वहाँ पर जो आपको आईएलओ की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, तो आईएलओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द चीफ ऑर्गन्स ऑफ द यूएनओ। तो ऑप्शंस हैं हमारे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप, फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो ये जो डी पार्ट है हमारा, इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी सरकारिया कमीशन डेल्ट विद। तो जो सरकारिया कमीशन था वो किससे रिलेटेड था, तो वो था बी, ऑप्शन बी, स्टेट सेंटर रिलेशंस। 23rd, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 डील्स विद। अब जो एक एक्ट आया था 1951 में, तो वो एक्ट किससे रिलेटेड था, तो वो किससे था, ऑप्शन ए है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। तो तब 2017 में अचल कुमार ज्योति जो था वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन अब चेंज हो गया है, अब क्या है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारा वो है सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इन इंडिया सॉरी। तो जो इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, सुकुमार सेन, ऑप्शन बी इसका आंसर है, सुकुमार सेन। नेक्स्ट इज, नोटा वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द इलेक्शंस ऑफ फाइव स्टेट्स इन। तो जो नोटा बटन है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम मशीन्स, उनके ऊपर एक स्पेशल बटन अब बनता है, तो जिसको हम नोटा बोलते हैं, तो वो जो है वो फाइव स्टेट्स में पहली बार यूज़ किया था इलेक्शन के दौरान। तो कब किया था, दैट इज़ नवंबर 2013। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया जनरल इलेक्शन इज़ हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो इंडिया में जो जनरल इलेक्शंस होते हैं किस पे बेसिस पे होते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, तो उसका हमारा जो चेयरमैन था वो कौन था, वो था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 26th November 1949 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 26th November को 1949 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिक्लेयर्ड एज पास्ड, ए ऑप्शन है कि उसको पास घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी कॉल्ड ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसको हम ब्लू प्रिंट कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो ये है ऑप्शन बी, गवर्नमेंट एक्ट 1935। तो 1935 में एक जो गवर्नमेंट एक्ट आया था उसको हम ब्लू प्रिंट कहते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ स्पेशल फीचर्स सच एज। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी स्पेशल फीचर्स हैं, क्या है वो स्पेशल फीचर्स, दे आर फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स, ठीक है, जे फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दी फोर्थ शेड्यूल ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो जो फोर्थ शेड्यूल है वो किसके साथ डील करता है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है उससे रिलेटेड है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, तो जो 11th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो किससे रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर है उसका ऑप्शन ए है, पंचायत से, पंचायत से रिलेटेड है। जो 34th क्वेश्चन, द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीएम्बल है तो वो कहाँ कैसे स्टार्ट होता है, किन जो वर्ड्स के साथ स्टार्ट होता है, तो सी ऑप्शन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने देखो बी ऑप्शन भी लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ भारत, तो भारत नहीं है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो मास्टर कैडर एग्ज़ाम जो बिल्कुल आने वाला है तो उसकी तैयारी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसी सिविक्स का वो जल्दी ही डालूँगा। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू वेरी मच।